असिस्टेंट लोको पायलट का मेडिकल टेस्ट पास करूंगा या फिर अनफिट रह जाऊंगा, सभी के मन में यही ख्याल रहता है। तो चलिए इसी टॉपिक को लेकर आज इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं अभिजीत, आपका दोस्त, और वेलकम बैक टू माय चैनल अभिजीत डॉट। आज इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगा, ALP मेडिकल टेस्ट के बारे में, जो कि A1 कैटेगरी का होता है। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, CBT1, CBT2, साइकोलॉजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब हो जाने के बाद आपके घर में कॉल लेटर जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए। उस कॉल लेटर में आपको मेंशन किया रहेगा कि आपको किस दिन किस हॉस्पिटल में किस वक्त जाना है, कब आपका रिपोर्टिंग टाइम है, ये आपको पूरा उस कॉल लेटर में मेंशन किया रहेगा। उसी हॉस्पिटल में आपको उसी समय में रिपोर्ट करना है बिना किसी देर के। और याद रखिएगा दोस्तों, खाली पेट जाइएगा, क्योंकि बहुत सारा टेस्ट होता है जो कि खाली पेट किया जाता है। अगर आप खाली पेट नहीं जाते हैं तो हो सकता है आपको लौटा दे और दूसरे दिन आने के लिए कहे, तो फालतू का आप ही का डिले होगा, इसलिए खाली पेट जाइए। बहुत सारे कैंडिडेट जाते हैं तो इसलिए एक दिन में आपका मेडिकल नहीं पूरा होता है, 2-4 दिन समय लग जाता है, कभी कभार 1-2 सप्ताह भी लग जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर्ड रह के जाइए। और ये मेडिकल टेस्ट जो है ये A1 कैटेगरी का होता है। मेडिकल टेस्ट का बहुत सारा कैटेगरी होता है, ये मेडिकल जो है सबसे टफ होता है। और इसमें मेन जो है आई टेस्ट सबसे मेन टेस्ट होता है, वो सबसे टफ होता है। और बाकी जितना सारा टेस्ट है सभी होता है, लेकिन आई टेस्ट अगर आप पास कर जाते हैं तो मान के चलिए कि आपका 90% मेडिकल क्लियर हो गया, बाकी तो हो ही जाएगा। जब आप जाइएगा तो सबसे पहले आपको जनरल आपका हाइट वेट सब, जो BMI इंडेक्स है, सब देखा जाएगा। जनरल आपका चेकअप किया जाएगा, सब ठीक है कि नहीं, ठीक है। ब्लड प्रेशर चेक होगा। ब्लड प्रेशर जो कि आप लोग जानते हैं ऊपर में 120 रहता है, नीचे 80 रहता है, यही नॉर्मल रेंज है। इससे ऊपर अगर ज्यादा चल जाएगा तो दिक्कत है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो चलेगा, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर जब आपका मापा जाएगा तो एकदम तनाव मुक्त रहिए, एकदम कोशिश कीजिए ब्लड प्रेशर को वही रेंज में रखने के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं ECG टेस्ट में। जैसे कि आप लोग जानते हैं ECG में आपका मेन जो हार्ट का बीट्स है उसका जो फ्लैक्चुएट करता है बीट्स, नॉर्मली 72 शायद रहता है 1 मिनट में, तो वो हार्ट बीट आपका चेक किया हुआ जाएगा। आपको एक बेड में, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ऐसे लेटाया जाएगा और आपके ऊपर पूरा टेस्ट किया जाएगा। और एक ग्राफ रहता है, चित्रगुप्त की तरह एक ग्राफ रहता है, उसी ग्राफ में आपका पूरा हार्ट बीट जो है शो करेगा। जब आपको लेटाया जाएगा, मेरा सलाह यही है कि आप लोग एकदम निश्चिंत होकर सोइए, अच्छी अच्छी बात सोचिए, ठीक है, तब आपका हार्ट बीट ठीक रहेगा। अगर उल्टा पुल्टा ज़्यादा सोचिएगा तो आपका हो सकता है हार्ट बीट इधर उधर हो जाए। अच्छा चिंता कीजिएगा, अच्छा सोचिएगा, तो ऐसे लेटे रहिएगा, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ऐसे ही आपको एक्सरे टेस्ट किया जाएगा। एक्सरे टेस्ट के जरिए आपको कोई TB है कि नहीं, या फिर अंदरूनी कोई चोट, इंटरनल कुछ डैमेज कुछ है कि नहीं, ये सब आपका देखा जाएगा। एक्सरे के बाद हम लोग आ जाते हैं ENT टेस्ट में। ENT टेस्ट में आपका नाक, कान, गला, सब कुछ, जीभ, सब देखा जाएगा, सब ठीक है कि नहीं। ये एक नॉर्मल टेस्ट है, इसको लेकर उतना टेंशन मत लीजिएगा, ENT ऐसे ही चेक हो जाएगा। इसके बाद यूरिन टेस्ट के लिए आपको एक कंटेनर दिया जाएगा, उसमें आपका यूरिन का सैंपल ले आने के लिए कहा जाएगा, उसमें आप यूरिन का सैंपल ले आइएगा। और यूरिन का सैंपल से आपका लीवर, किडनी, ये सब चेक होगा। इसके बाद आपका शुगर चेक होगा। जब इसीलिए मैंने कहा था कि खाली पेट जाइएगा, क्योंकि जब शुगर चेक करता है खाली पेट ही नॉर्मली करता है। शुगर आपका जैसे पिक्चर में देख रहे हैं ऐसे ही करके आपका ब्लड लिया जाएगा और आपका शुगर चेक किया जाएगा। शुगर जो है मोटा मोटी 100 के अंदर रहने से ठीक रहता है, ठीक है, तो शुगर को कंट्रोल में रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों हार्निया, हाइड्रोसिल, ये सब के बारे में। हार्निया जो है चेक किया जाता है, आपका हाइड्रोसिल पाइल्स ये सब है कि नहीं, ये सब चेक किया जाता है। हाइड्रोसिल क्या है? हाइड्रोसिल है आपका नीचे का जो मेन पार्ट्स है, वहाँ जो टेस्टिस के बगल में पानी सा जम जाता है, तो वो चेक किया जाता है, ठीक है। और हार्निया जो है थोड़ा नीचे के साइड में फूला हुआ रहता है, वो सब भी चेक किया जाता है।
अब दोस्तों मेन बात है कि ये सब जो है हार्निया हाइड्रोजील ये सब क्यूरेबल है। देखिए मेन टेस्ट जो है आई टेस्ट, दोनों आंखों में 6x6 पावर होना चाहिए। अगर आपके आंखों में पावर आ गया है तो ये क्यूरेबल नहीं है, आपको चश्मा लगेगा ही। लेकिन अगर आपको हाइड्रोजील है या फिर हार्निया है, आपको अभी से पता है, तो ये अगर आप ऑपरेशन करके ठीक कर लेते हैं तो एग्जाम के दौरान आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिए, हाइड्रोजील हार्निया ये सब चेक होता है, लेकिन ये सब क्यूरेबल है। अभी से आप लोग ट्रीटमेंट करा के रखिए अगर किसी का प्रॉब्लम है तो। तो कुछ जानकारी और मैं आपको दे दूँ, कमेंट आया है मेरे चैनल पे कि बहुत सारे ड्राइवर को सर हम लोग देखे हैं चश्मा पहन के ड्यूटी करने के लिए, तब वो कैसे होता है। देखिए दोस्तों, इनिशियली आपका चश्मा अलाउड नहीं है, ठीक है, इनिशियली नहीं है। 4 साल बाद जब फर्स्ट मेडिकल होगा उसमें भी चश्मा अलाउ नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 4 साल बाद से जब आपका मेडिकल होगा तब अगर आपका आंखों में पावर आएगा तो डॉक्टर आपको ग्लासेस प्रेफर कर देगा कि आप आपका चश्मा बनवाइए और उसको पहन के ड्यूटी कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियल में ग्लासेस आर नॉट अलाउड, इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम में 6x6 पावर रहना चाहिए। फर्स्ट मेडिकल में चश्मा अलाउड नहीं है और उसके बाद आपका चश्मा अलाउड हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अगर सोचते हैं कि बहुत सारा ड्राइवर को देखे हैं कि चश्मा पहन के ड्यूटी करता है, तो वो दोस्तों इनिशियल में नहीं था, वो बाद में उसको दिया गया, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 4 साल बाद आपका मेडिकल होगा, रीचेकअप होगा हर 4 साल बाद, और उसके बाद जब 50 साल आपका उम्र हो जाएगा तब हर 2 साल बाद आपका मेडिकल होगा, जब 55 साल उम्र हो जाएगा तो हर साल आपका मेडिकल होगा। यही इस जॉब का रूल है। लोगों का मन में ये सवाल आता है कि अगर मान लीजिए आज से 10 साल नौकरी हो गया, उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम मेरे पे आया तो मैं क्या डीकैट हो सकता हूँ? तो बिल्कुल हो सकते हैं। और कई लोग ये भी सोचते हैं कि अगर 10 साल 15 साल नौकरी करने के बाद मेरा कुछ मेडिकली अनफिट अगर हो जाता हूँ तो क्या मेरा नौकरी चल जाएगा? नौकरी नहीं जाएगा दोस्तों। अगर आप मान लीजिए 5 साल 10 साल बाद आपका मेडिकल हुआ, आपका अगर कुछ पाया गया तो उसको क्योर करने के लिए डॉक्टर आपको दवाई देगा, दवाई को बेस पर आप ड्यूटी कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा अगर बढ़ गया, मेनली मैंने अपना एक्सपीरियंस से अगर बताता हूँ आपको कि मैंने ज़्यादातर देखा है शुगर जो है, इस शुगर के चलते बहुत सारा ड्राइवर को मैंने डिकेट होते हुए देखा है। एक दो ठो ड्राइवर मैंने हार्ट का कुछ प्रॉब्लम से भी डिकेट होते हुए देखा है। तो डिकेट मतलब है आपको ट्रेन चलाना नहीं पड़ेगा, मतलब ट्रेन चलाने के लिए आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा, आपको उससे डी कैटेगोराइज कर दिया जाएगा, आपका दूसरा किसी डिपार्टमेंट में आपको दिया जाएगा, किसी ऑफिस में हो कहीं पे भी हो, थोड़ा मॉनिटरी लॉस होगा लेकिन वहाँ पे आपको दिया जाएगा, आपको ट्रेन चलाने के लिए परमिशन नहीं दिया जाएगा, यही है डी कैटेगोराइज। सवाल ऐसा रहता है कि सर मेरा मेडिकल के दिन अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर मान लीजिए मेरा आई में कुछ प्रॉब्लम हो गया कि मेरा कुछ निकल गया, शुगर निकल गया, कुछ हो गया, तो क्या मुझे दोबारा चांस दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा दोस्तों, आपको चांस दिया जाएगा। अगर 2-3 चांस देने के बाद भी अगर आप नहीं सक्सेस हो पाते हैं तभी आपको रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये जो मेडिकल टेस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट का, इसमें आँख का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, 4-5 टाइप का टेस्ट होता है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी को लेकर आऊंगा कि आई टेस्ट में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। आप लोग सोचते हैं कि रेलवे का मेडिकल मतलब ज्वाइनिंग तो होगा ही, मेडिकल मतलब कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। असिस्टेंट लोको पायलट का मेडिकल में मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोग को कह रहा हूं, मैंने 3-4 लड़के को रिजेक्ट होते हुए भी देखा है, एकदम जेन्युइनली देखा, ठीक है। आई के चलते मेन आपका आई अगर 6x6 नहीं है तो दिक्कत होगा। दूसरा किसी एग्जाम के जैसे जेई बोल दीजिए कि जूनियर इंजीनियर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, ये सब में मोटा मोटी जितना मेडिकल होता है उसमें आप पास कर जाइएगा। लेकिन इसमें जो है ये A1 कैटेगरी का मेडिकल होता है, इसमें अगर मेनली आईज का कुछ प्रॉब्लम होता है उसमें रिजेक्ट हो सकता है, मैंने देखा है रिजेक्ट होते हुए, ठीक है। तो सुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने आप को फिट रखिए, कोशिश कीजिए आँख का कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, अगर इस जॉब में आना है तो। अगर आपका हाइट थोड़ा शॉर्ट है, अगर हाइट बहुत ज़्यादा लंबा है, तो ये सब में हाइट के चलते कोई दिक्कत नहीं होता है, तो हाइट वेट ये सब के चलते कुछ दिक्कत ज़्यादा आपको नहीं होगा, इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए।
मेन आपका बाकी सब, जैसे आपका प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, डायबिटीज, हाँ ये सब आप ध्यान में रखिए, और मेन आपका आँख का पूरा ख्याल रखिए, ठीक है। और बाकी आपसे आप अपने आप हो जाएगा, और हिम्मत मत हारिए ज़रा, मतलब आप लोग को मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो फैक्ट वो मैं आपको बता रहा हूँ। और वैसे भी मेरे सब्सक्राइबर जो है वो बहुत होशियार है, ये हमको पता है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को मेडिकल टेस्ट के बारे में जानकारी बहुत सारा मिल गया होगा। आई टेस्ट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से शेयर करूंगा, कैसे कैसे क्या होता है ना होता है। तो बने रहिए मेरे साथ, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे ही मैं नया वीडियो लाऊंगा आपके पास तुरंत सूचना पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।